कैमचो मजामा भाई लोग अपराध जगत की दुनिया में गैंगस्टर माफिया डॉन जैसे खतरनाक शब्द कहाँ से आए क्या कभी किसी ने सोचा? जैसे रंगदारी लूट डकैती फिरौती ये सारे शब्द और इनका असल में मतलब क्या होता है कोई नहीं जानता। वैसे ये सारे शब्द पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए लैटिन नाम है जो समय के साथ अपभ्रंश होते गए और आज गैंगस्टर डॉन माफिया फिरौती रंगदारी जैसे शब्दों का क्राइम वर्ल्ड की दुनिया में उच्चारण होता है। इन सब में आजकल रंगदारी शब्द हर मिनट न्यूज चैनलों पर सुनने को मिलता है। जैसे आज फलाना ढिनका व्यापारी से फलाना फलाना शहर में गैंगस्टर ने रंगदारी फिरौती मांगी, ना देने पर गोलियां बरसाई और फिर अक्के परिवार समेत टपका देने की धमकी दी। क्यों मामा ऐसी न्यूज सुनते हो ना? तो बाबा दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवानिया ने भी एक कांड कर दिया। वह बैठा है एशिया की सबसे सुरक्षित जेल यानी तिहाड़ में और फिर भी उसके नाम वारदातें होना आम बात है। हाल ही में उसने जेल में बैठे बैठे अक्खी हरियाणा पुलिस को हिला डाला। उसने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, किससे मांगी, कब मांगी, यह जानने से पहले फिरौती और रंगदारी का असली मतलब क्या होता है ये तो जान लो। फिरौती शब्द का अर्थ है फिर से वापिस आने की क्रिया। सीधे शब्दों में कहे तो फिरौती मांगा गया धन या संपत्ति है जिसके बदले में किसी वस्तु या व्यक्ति को बंधन मुक्त किया जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि फिरौती शब्द जूलियस सीजर के वक्त प्रचलित हुआ था। दरअसल कुछ समुद्री लुटेरों ने फार्माक्रूस द्वीप के पास जूलियस सीजर को अगवा कर लिया था जिसके बदले में सीजर के लोगों ने ढेर सारा धन दिया, तब सीजर मामा रिहा हुआ था। इसके बाद इतिहास में ऐसे कई मौके आए जहाँ फिरौती शब्द का प्रयोग किया गया। और फिर 1 जुलाई 1875 को चार्ली रोजा का अपहरण फिरौती के लिए हुआ था जिसे पहला अमेरिकी अपहरण कहा गया। चलो ज्ञान की बातें बहुत होली, अब मेन मुद्दे पे आते हैं रे। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को दिल्ली NCR के गैंग लॉर्ड बोले तो नीरज बवानिया का गुर्गा बताया। धमकी भरा लेटर अखबार में छिपा कर घर भेजा गया। सेक्टर 14 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ममा सोचो उस व्यापारी के ऊपर क्या बीती होएंगी जब उसने चिट्ठी में नीरज बवानिया का नाम पढ़ लिया होएगा, क्योंकि बवानिया की दहशत से अक्खा हिंदुस्तान वाकिफ है। क्योंकि नीरज बवानिया का आपराधिक इतिहास बोलता है कि उसने जब जब जिनसे फिरौती रंगदारी मांगी उसे देनी पड़ी और जब जब नाम मिली तो उसने कत्लेआम मचा दी या फिर ऐसा खूब बहलाया कि फिरौती ना देने वाले को शहर छोड़कर भागना पड़ा। खैर सेक्टर 14 में रहने वाले पीड़ित बिजनेसमैन ने बताया कि उनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मानेसर में 2 कंपनियां हैं जिसमें वह जापानी कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस करता है। सुबह के वक्त जब अपने घर पर था इसी दौरान उसने घर आए अखबार को उठाया और पढ़ने लगा। इसी दौरान अखबार में एक लिफाफा लिपटा हुआ मिला, उसे खोला तो उसमें धमकी भरा लेटर था। उसमें लाल रंग से लिखा गया कि वह नीरज बवानिया गैंग का सदस्य है, उसे 1 करोड़ रुपये चाहिए, अगर पैसा नहीं मिला तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद सेक्टर 14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पुलिस ने धमकी भरे लेटर को अपने कब्जे में ले लिया है और FIR दर्ज कर घर के आसपास लगे CCTV खंगाला जा रहा है। वहीं पीड़ित के घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं क्राइम ब्रांच की टीमें भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवानिया और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती या रंगदारी मांगने के मामले पहले भी गुरुग्राम में आ चुके हैं। इधर पुलिस जांच कर रही है कि क्या रंगदारी मांगने वाला वाकई में नीरज बवानिया गैंग का सदस्य है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े नामी गैंगस्टर के नाम का मिसयूज कर छोटे मोटे छपरी लोग व्यापारियों से फिरौती मांगते हैं। अब या तो आरोपी के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा कि वह नीरज बवानिया का गुर्गा है या फिर उसके नाम का इस्तेमाल किया गया। भाई लोग नीरज बवानिया जो महज 16-17 साल की उम्र में अपराधी बन गया था, बापू था बस कंडक्टर, लेकिन छोकरे ने पूरे उत्तर भारत में कई गैंगस्टरों और बड़े बड़े गिरोह के साथ गठजोड़ कर तगड़ा वाला सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। इसके नाम पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तो भाई लोग नीरज बवानिया की पूरी कहानी फिल्मी अंदाज में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। रे बाबा रंगदारी और फिरौती में अंतर बहुत ज्यादा होता है। फिरौती किसे कहते हैं ये तो अपुन ने बता दिया, फिर रंगदारी किसे कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। और हाँ नीरज बवानिया के नाम पर जो पैसा मांगा गया
उसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।